हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद संजीव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ फैक्ट जानेंगे कि अगर आपके पेन ड्राइव कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद उस पेन ड्राइव का आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव जो है, ये पेन मेरे दोस्त ने गेट अकेडमी की पेन ड्राइव कोर्स खरीदी थी, तो उनमें मिले पेन ड्राइव्स हैं और इन पेन ड्राइव्स की क्वालिटी काफ़ी जो है बेस्ट है। ये मेटेलिक पेन ड्राइव्स हैं और जो है ये काफ़ी स्ट्रांग एंड स्टडी है। जो है आप देख सकते हैं किंगस्टन की जो है, इनकी कंपनी किंगस्टन की है। ये मेटेलिक हैं, इन्हें अगर मैं स्ट्राइक करूँ तो एक मेटेलिक साउंड आप सुन सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव्स फ्रेंड, इनकी प्राइस भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि 128 GB की अगर आप लेते हैं तो लगभग 1800 और 64 GB लगभग 900 की पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आप दिखाऊंगा कि आप इसे नॉर्मली जो है यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने फोन्स में डेटा ट्रांसफरिंग या फिर जो है किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर में ले चलता हूँ। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कुछ फाइल्स जनरली स्टोर भी हैं और साथ ही साथ जो है इसमें आप जो है इसकी मेमोरी देख सकते हैं, क्योंकि ये 128 GB लिखा है लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ी सी कम जो है रीडिंग मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स फाइल्स मैंने रखे हैं पेन ड्राइव के अंदर, ये चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। जो कोर्स का डेटा है वो फाइल तो पड़ी रहेंगी आपके पास, लेकिन आप उन वीडियो को चला नहीं पाएंगे अगर आपकी उस कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसकी मैं मेमोरी आपको दिखा देता हूँ कितनी है इन पेन ड्राइव्स की। अब ये कैलकुलेट कर रहा है, चेक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। देखिए, अब आ चुका है, डिटेल्स में जाते हैं और नीचे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव की जो मेमोरी है 115 GB है और जिसमें 28 MB कंज्यूम्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।